स्टूडेंट, आज हम आपको बॉटनी में एट न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक बताने वाले हैं, जिसमें एम्ब्रियो सैक जो पॉलीगोनम टाइप का पॉलीगोनम प्रकार की एम्ब्रियो सैक कहाँ पर ओव्यूल में पॉलीगोनम प्रकार के एम्ब्रियो सैक के बारे में बताएंगे, जिसमें यहाँ पर एट न्यूक्लियर स्टेज यहाँ प्रदर्शित की जाती है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी एम्ब्रियो सैक पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक क्या है और एट न्यूक्लियर स्टेज, या फिर आपको एट न्यूक्लियर स्टेज से पूछेंगे। प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन आपको एट पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में, या फिर आपसे किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल वाइज प्रैक्टिकल में भी ये पूछा जाता है अधिकतर, और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पुट अप होता है। तो मैंने मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस आपको बता दिया था, जिसमें अब एट न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक, तो जो मैंने आपको मेगा स्पोरोफाइटिक अवस्था और स्पोरोफाइटिक अवस्था में जब मेगा स्पोर एक गुरु बीजाणु से जो एम्ब्रियो सैक बनता है, भ्रूण कोष बनता है, वह पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष कहलाता है। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक, जिसको हम हिंदी में भ्रूण कोष कहते हैं। जो ये भ्रूण कोष होता है, ये हम ओव्यूल इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि ओव्यूल का जो एंटीरियर पार्ट होता है और जहां पर माइक्रोपाइल वाला सिरा होता है, माइक्रोपाइल वाला सिरा इस साइड की ओर होता है, ठीक है, क्योंकि जहां एग अटैच होता है वह माइक्रोपाइल वाला सिरा कहलाता है, ठीक। तो जो एम्ब्रियो सैक है, सपोज यहां से ये ओव्यूल इस तरीके से लटका रहता है, लेकिन जो डायग्राम है जस्ट इसके अपोजिट उल्टा होकर बनता है, क्योंकि जो एंटीबॉडी सेल से ऊपर की ओर होती है, यहां से सीधी, यहां पर सीधी बात है कि जो न्यूक्लियर मतलब पॉलन ग्रेन आते हैं, पॉलन ट्यूब जो आती है वह माइक्रोपाइल से होती हुई, मतलब यहां से होती हुई, सपोज यहां पे कुछ नहीं, यहां से माइक्रोपाइल से होती हुई यहां एग से अटैच होती है, ठीक है। तो इसको जस्ट हम अपोजिट लाइक भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जहां पर सिर्फ एम्ब्रियो सैक की बात की, तो मैंने यहां पर सिर्फ आपको एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बताया है। जो एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर तथा ये इंटेगुमेंट के आवरण से, इंटेगुमेंट जो सबसे उसका बाहरी आवरण होता है, फिर न्यूसेलस का आवरण होता है इसमें, फिर उसके बाद इसमें एम्ब्रियो सैक ये पाया जाता है ओव्यूल से। तो किससे? गुरु बीजाणु से, मैंने बताया मेगा स्पोर से बनता है, इसलिए पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रियो सैक इसको कहते हैं, ठीक है। और ये मोनोस्पोरस कहलाता है, जो मोनोस्पोरस से बनता है। अब हम बात करते हैं जो एम्ब्रियो सैक होता कैसे है। तो जब इसमें डिविजन होते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के टाइम पर, जब इनमें जो विभाजन होते हैं, विभाजन के समय इनमें क्या होता है, जो एट सेल स्ट्रक्चर बनती है, फर्स्ट डिवीजन, इसमें फर्स्ट डिवीजन माइटोस मियोसिस, ठीक है, दो से चार, चार से आठ। जब ये आठ सेल्स जो बनती हैं, जो आठ सेल में से एक न्यूक्लियर स्टेज, क्योंकि इसको एट न्यूक्लियर स्टेज को कहते हैं, आठ कोश की अवस्था आठ केंद्र की है, तो आठ केंद्रकों में से ये आठों केंद्रक एक एम्ब्रियो सैक में अरेंज रहते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज रहते हैं, जिसमें से ऊपर की ओर हम कह सकते हैं दो सिनर्जिट्स पाए जाते हैं और एक एग पाया जाता है। दो सिनर्जिट्स एग के किनारों पर पाए जाते हैं, साइड पोर्शंस में। सिनर्जिट्स एग में एग सेल्स होती है और एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, और इसमें जो कैलोजी छोर होता है, कैलोजी कहते हैं, कैलोजी छोर, उसके किनारे की ओर, छोर की ओर यहाँ केंद्रक पाया जाता है, और ऊपर की ओर केंद्रक के चारों ओर क्या होते हैं, इसमें बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है, रिक्तिका कहते हैं जिसको हिंदी में हम, ठीक है, एरो लगा हुआ है। और जो यहाँ देखिए सिनर्जिट्स दिख रहे हैं साइड में, सिनर्जिट्स में एक बीक लाइक स्ट्रक्चर, देखिए मैंने बीक का एरो लगाया है, बीक लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है चोंच के समान, इसमें भी क्या होते हैं, बीक लाइक स्ट्रक्चर, और साथ में फिली फॉर्म एपरेटस प्रकार की संरचना पाई जाती है, एक एक केंद्र के होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनका भी कैलेजी छोर की ओर, इनके केंद्रक मध्य की ओर होते हैं, इनमें भी वैक्यूल पाई जाती है। तो ये तो हो गए तीन केंद्रकों का अरेन्जमेंट, ठीक है। दो केंद्रक सेंटर की ओर, मध्य की ओर, एम्ब्रियो सैक में मध्य की ओर पाए जाते हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ये पोलर जो न्यूक्लियाई होते हैं दो होते हैं, ठीक है, और जो तीन एंटीपोडल सेल्स नीचे की ओर, एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, जब निषेचन के समय एंटीपोडल सेल्स निषेचन के पहले ही क्या होते, धीरे धीरे इनमें क्या होता है, ये डिजनरेट होने लगती हैं, नष्ट हो जाती हैं,
ठीक है। तो 8 न्यूक्लियर अवस्था बनाने के लिए आपको ये नाम याद रखने होंगे कि कितनी अवस्था, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग, हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। इस प्रकार से एक न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक तैयार होता है। ये किससे, डिवीजन के फलस्वरूप मेगास्पोरोजेनेसिस में एम्ब्रियो सैक तैयार होता है। और जो ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जब निषेचन होना होता है उस समय जो एंटीपोडल सेल्स डिवीजन नष्ट होने लगती हैं, और जब यहाँ से पॉलिंग ट्यूब आती है तो ये एग से संयोग, एक क्योंकि पॉलिंग ट्यूब में 2 नर केंद्रक मेल न्यूक्लियाई होते हैं, एक मेल न्यूक्लियाई एग से संयोजन करता है और एक मेल न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई से संयोजन करेगा। लेकिन उसके पहले जो पोलर, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इनमें पहले से क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तब ये फ्यूजन के बाद ये कैसे होते हैं, 2n नंबर के न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और 2n नंबर से जब एक मेल न्यूक्लियाई फिर से संयोजन करेगा तो 3n नंबर का न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तब इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इन न्यूक्लियस ने 2 बार डिवीजन, 2 बार फ्यूजन की क्रिया की, निषेचन किया। तो फर्स्ट इन दोनों का पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन, सेकंड जब मेल न्यूक्लियाई आता है और उससे संयोजन करता है तो उसका फ्यूजन। तो इस प्रकार से एक न्यूक्लियाई स्टेज को मैंने आपको यहाँ समझाया। यही आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है एम्ब्रियो सैक तो आप ये डायग्राम बना के इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियाई स्टेज किस प्रकार से होती है, कैसे इसमें बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और आप सारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।